क्वेश्चन इन टू वेरिएबल में लास्ट टाइम हमने कौन सी मेथड देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बार हमारे लिए मोस्ट और एक और इंपॉर्टेंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। नाउ व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मींस किसी को एलिमिनेट करना। यहां पर आपको क्या करना है, किसी एक को निकाल के दूसरे को रखना है, या मतलब उसको निकाल नहीं देना, सीधे तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर आपको किसी एक वैल्यू को निकाल देना है। जैसे आपके पास दो वेरिएबल है x और y, आपको x और y में से किसी एक को निकाल देना है और उसकी जगह पे किसी और को, मतलब सीधा निकाल दोगे तो किसी एक की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एलिमिनेशन मेथड। देखो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या होगा, यहां पर y को हम इक्वल बना देंगे और ये दोनों इक्वल बन जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज प्लस और माइनस है। तो उसके लिए ये पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। सो 3x प्लस 3y, 3x, 3y, 5 3 is 15, 2x minus 3y is equal to 4, because 1 से multiply हुआ, plus minus cut, 3 plus 2, 5x, 15 plus 4, 19, so x is equal to कितना देखने को मिलेगा, 19 upon 5, okay, अब put x is equal to 19 upon 5 in equation 1, put x is equal to 19 upon 5 in equation 1. तो क्या given है हमें, x plus y is equal to 5. So 19 upon 5 plus y is equal to 5. ये उस तरह हो जाएगा 5 minus 19 upon 5. Upon the one make a cross multiply. 5 is 25 minus 19 upon 5 आ जाएगा. 25 minus 19. 6 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 6 अपॉन 5 आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया, नाउ जी सेकंड नंबर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो यहां पर y अगेन आपका प्लस और माइनस में है, तो y को इक्वल बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो ये 3x plus 4y is equal to 10, 4x minus 4y is equal to 4, कर 3 plus 4, 7x, 10 plus 4, 14, x is equal to 14 upon 7, so x कितना आ गया आपका 2। now put x is equal to 2, कोई भी equation में रख सकते हो, equation 1 में रखते हैं, 3x plus 4y is equal to 10, 3 2 plus 4y is equal to 10, 3 2 is 6 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 6, 4, y is equal to 4 upon 4, y is equal to कितना आ गया आपका 1, means x is equal to 2 और y is equal to आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। समझ, okay, now see third number, क्या given है third number में हमें, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, पहले इसको सिस्टमेटिक बना देते हैं, 3x minus 5y is equal to 4, equation number 1, second equation given है 9x is equal to 2y plus 7, इसको भी सिस्टमेटिकली अरेंज कर दो, equation number 2 आपको देखने को मिलेगी। now 1 and 2, दोनों माइनस में है y y, तो अब यहाँ पर आप किसी को भी बना सकते हो इक्वल x को या y को, हम y को ही बना के चलते हैं, 2 5,
ठीक है, सो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8 4 2 जा 8 5 2 जा 10 3 2 जा 6 9 5 जा 45x माइनस 2 5 जा 10 7 5 जा 35 देखो सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे प्लस माइनस में 45 माइनस 6 माइनस 39x 35 माइनस 8 माइनस 20 सर 27 देखने को मिलेगा माइनस माइनस कर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39 ठीक है 3 9 जा 3 13 जा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 9 अपॉन 13 आपको देखने को मिलेगा नाउ पुट x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 सो अब देखो 3 x कितना है हमारा 9 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 27 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 3 9 जा 27 4 को इस तरफ ले आओ 5 को उस तरफ जाने दो माइनस 4 इज इक्वल टू 5y अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई 13 4 जा 52 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 5y 52 माइनस 27 देखो 4 5 2 माइनस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 5y तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 25 13 इंटू 5 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 अपॉन 13 आपको देखने को मिलेगा मींस x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 आपको देखने को मिलेगा समझ आया नंबर 4 नंबर में क्या दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 ठीक है देखो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 सेकंड क्या गिवन है y माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 लेके क्रॉस 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा 9 इक्वेशन नंबर 2 अब देखो क्या करेंगे प्लस 4y माइनस 4y इसको 1 से मल्टीप्लाई इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई सर हां खाली साइन चेंज कर देना तो 3x 3x कट जाएगा नहीं x तो सेम ही है ना मुश्किल होगी फिर क्योंकि यहां माइनस है सर तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36 कट हो गया ठीक है 12 प्लस 3 15x प्लस माइनस माइनस 36 में से 6 गया तो 30 बढ़े जाके प्लस की साइन थी 15 वन जा 15 टू जा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया अब पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 6 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 तो y इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 4 तो कितना आंसर आएगा माइनस 3 मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3 आपको देखने को मिलेगा समझ में आया
ओके नाउ सी क्वेश्चन टू में कुछ पांच प्रॉब्लम्स हमसे ट्राई करते हैं पांचों हो जाए टाइम कम पड़ा तो सिर्फ इक्वेशन बना के देखूंगा सॉल्व तुम अपने आप कर लेना क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अगर हम क्या करें 1 को न्यूमरेटर में ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 को सबट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1 और अगर ये हाफ बन जाता है अगर सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे ये लोग x plus 1 by minus y by minus 1 equals to 1 देखो फर्स्ट नंबर में सपोज द न्यूमरेटर इज x और डिनोमिनेटर इज y ठीक है मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा x upon y पहले क्या कहा गया है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो तो आपको आंसर आएगा 1 क्रॉस में ले जाओ x plus 1 equals to y minus 1 y उस तरह y यहां पे so x minus y equals to minus 1 minus 1 तो पहली इक्वेशन क्या बनी हमारी x minus y equals to minus 2 इक्वेशन नंबर 1 अब इक्वेशन 2 बना के क्या बोला गया अगर आप न्यूमरेटर को सेम रहने दो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 by 2 देखने को मिलेगा ये वो दिया हुआ है if we add only 1 to the denominator ठीक है अगेन इसको भी क्रॉस में जाने दो 2x is equals to y plus 1 y इधर 2x minus y is equals to 1 equation number 2 देखो दोनों का y सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है x minus y is equals to minus 2 2x minus y is equals to 1 या माइनस प्लस माइनस आएगा कट हो गया माइनस x माइनस 3 माइनस माइनस कर x इज इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा आपको 3 देखने को मिलेगा नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 So 3 minus y is equal to minus 2. ठीक है? Minus 2 इस तरफ, y उस तरफ. So 3 plus 2. तो y कितना देखने को मिलेगा? 5. तो friction हमारा क्या बनेगा? 3 upon 5 बनते हुए आपको देखने को मिलेगा. समझ में आया? Number. 5 years ago, 5 साल पहले, Nuri was thrice as old as Sonu. न्यूरी की एज कितनी थी 3 टाइम्स ज्यादा थी किससे ठीक है सोनू से 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद न्यूरी की एज सोनू की एज से कितनी थी ट्वाइस तो हाउ ओल्ड वाज न्यूरी एंड सोनू ठीक है सपोज द एज ऑफ सोनू न्यूरी इज एक्स एंड द एज ऑफ Sonu is y. ठीक है हमने नूरी की एज को क्या ले लिया x और सोनू की एज को क्या ले लिया y. अब 5 years ago. ओके क्या गिवन है देखो 5 years ago मतलब दोनों की एज में minus 5 होगा तब नूरी की एज सोनू की एज से कितनी टाइम ज्यादा थी 3 टाइम ज्यादा थी सो अब देखिए x minus 5 is equals to 3 by minus 15 3 by इस तरफ 5 उस तरफ तो x minus 3 by is equals to minus 15 plus 5 minus 10 equation number 1 ठीक है अब equation 2 after 10 years x plus 10 y plus 10 नूरी की एज सोनू की एज से कितनी टाइम ज्यादा थी 2 टाइम्स सो x plus 10 2y plus 20 10 उस तरफ 2y इस तरफ सो x minus 2y 20 minus 10 सो 10 इक्वेशन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगी अब क्या करेंगे सेम बना दो y को
यहाँ x सेम ही है, वो करना तो वो करो, मैं y को ही सेम करूँगा, 2x minus 3y is equal, sorry 6y minus 20, 3x minus 6y 30 minus plus minus, ठीक है, क्योंकि यहाँ minus है इसलिए, यहाँ क्या हो जाएगा minus plus minus ये दोनों कर, ये minus x और यहाँ कितना आएगा minus 50, कर तो x is equal to कितना ये दोनों मिलेगा 50, now put x is equal to 15 in any equation, ठीक है, तो आपकी y की value आ जाएगी, so y की value आपकी होगा, okay? Third number, the sum of the digit of the two digit number, देखो क्या है दो digit है जिनका sum कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit, find the number. ये वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग थोड़ा खराब करेगा. अब सी क्या हम दिया है, दो डिजिट नंबर है, कोई भी टू डिजिट नंबर है उसका अगर प्लस कर रहे हैं तो हमें कितना देखने को मिल रहा है 9, तो क्या करेंगे, सपोज द 10th डिजिट, क्योंकि देखो दो डिजिट का नंबर है जैसे 27 भी हो, तो ये 10th वाले को x और यूनिट वाले को क्या सपोज करेंगे y, तो 10th डिजिट पे हम क्या ले लेंगे x ले लेंगे और यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या सपोज करेंगे y, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x plus y is equal to 9, आपको स्टार्टिंग में गिवन है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, ओके, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है 10x plus y, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, देखो 20 plus 7 27 ही होने वाला है, 10th डिजिट मतलब वो 10 का क्या होगा मल्टीपल होगा, अब कहा गया इसका रिवर्स मतलब 10y plus x, इसको इक्वल बनाना हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, देखो क्वेश्चन में गिवन है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स कर दिया, ठीक है, सब 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा, माइनस में ले आओ इस तरफ y को उस तरफ ले जाओ, सो 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y 88x is equal to 11y, divide करते 11 मंजा 11 8 जा, so 8x is equal to y, 8x minus y is equal to 0, equation number 2 आपको देखने को मिलेगी, now equation 1 और 2 में क्या करेंगे, elimination, कर 9x is equal to 9, x is equal to 9 upon 9, तो x कितना है आपका 1, now put x is equal to 1 in equation 1, तो क्या हो जाएगा, हमारी equation 1 क्या थी, x plus y is equal to 9, 1 plus y is equal to 9, 9 minus 1, तो y कितना आ गया 8, तो मतलब x 1 और y 8, मतलब आपका digit क्या है 18, ठीक है, now see, fourth number, मीना गॉन टू अ बैंक, मीना बैंक में गई और उससे कितने रुपीस विड्रॉ किए 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीस नोट, और मीना की कुछ ऐसी इच्छा थी कि उसको 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, ओके, नाउ मीना गॉन 25 नोट्स इन ऑल, उसको कितने मिले 25 नोट्स उसको मिले, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव, उसको 50 और 100 के कितने नोट मिले वो हमें फाइंड फाइंड करना है, तो हम यहां क्या करेंगे, अरे पर पैसे उसके तो हो फाइंड करना, सपोज द रुपीस 50 नोट्स इज एक्स, या नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट इज एक्स और नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट्स इज वाई,
मतलब 50 रुपीस के नोट कितने हैं x और 100 रुपीस के कितने हैं y, तो x plus y is equal to 25 equation बन गई one, क्योंकि उसको x दोनों के नोट मिला के कितने मिले 25। अब देखो मेन चीज क्या बात है, टोटल उसके रुपीस कितने थे 2000, so 50x plus 100y is equal to मैं 2000 ले सकता हूँ। क्यों? देखो जितने भी नोट है उनको 50 से मल्टीप्लाई करो और 100 की जितनी नोट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे को टोटल अमाउंट ही मिलेगी जितनी अमाउंट उसने विड्रॉ कराई है। सो कितनी अमाउंट विड्रॉ कराई है 2000, ठीक है। 50 को ले लो कॉमन, x plus 2y is equal to 2000, so x plus 2y is equal to 2000 upon 50, 5y का 40, तो x plus 2y is equal to 40, equation number 2, now compare equation 1 with 2, तो क्या करेंगे, इसको multiply by 2 करेंगे, इसको multiply by 1 करेंगे, so क्या हो जाएगा, 2x plus 2y is equal to 50, x plus 2y is equal to 40, minus minus minus, कर, x is equal to कितना आएगा, 10 आपको देखने को मिलेगा, मतलब 50 रुपीस के नोट कितने होंगे, 10, now put x is equal to 10 in equation 1, तो x plus y is equal to 25, so 10 plus y is equal to 25, y is equal to 25 minus 10, so y कितना आ गया आपका 15 आपको देखने को मिलेगा, मतलब x 10 और y 15, चेक करना तो कर सकते हो, 15 times 500 और 1500 हो गया 2000, समझ में आया? 2000 में साबुत